फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन सुन लो। पहला फैक्टर अफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। इफ वाटर सरफेस हैज डस्ट या ग्रीस या ऑयल, सरफेस टेंशन ऑलवेज डिक्रीजेस। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि इंक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं, तो कंटामिनेशन से सरफेस टेंशन बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है। नंबर टू अफेक्ट ऑफ सॉल्यूट या तय। अ हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस, हाईली सॉल्यूबल है जैसे सोडियम क्लोराइड, इंक्रीजेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी हाईली सॉल्यूबल में। लेकिन स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक फिनोल या सोप, साबुन घोल दिया तो उसमें सरफेस टेंशन क्या होती है, घटती है, सरफेस टेंशन घटती है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो सोप डालने से, डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन घटती है। ठीक, तो अपने उस वो एड भी आती है उसकी, सर्फ सर्फ, वो कपड़े डालते हैं पानी के अंदर, वो वीडियो बनता है, वो उसकी इम्प्योरिटी सारी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वैनिश हो जाती है, साफ होती है। ठीक, अब होता क्या है, वो इसलिए है क्योंकि जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है किसी शर्ट के साथ, वो चिपका हुआ है, एडहेसिव फोर्स खतरनाक है, ज़बरदस्त है, चिपकी हुई है। अब आपने साबुन घोल दिया पानी में, सर्फ घोल दिया, अब क्या हुआ, सरफेस टेंशन को घटा देगा। देखो ना, वो फोर्स जिसे पकड़ है उस पकड़ को कम कर देगा, और आपने देखा होगा क्या जादू होता है, एकदम साफ निकल आती है। तो बेसिकली इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन सोप वगैरह, इसलिए जो है सोप वगैरह हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भागेंगे मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस टेंशन कहाँ से आएगी, घट जाएगी। अब वो कह रहा है कि आप और गर्म कर दो, सरफेस टेंशन और घट जाएगी और बिल्कुल जीरो हो जाएगी उस टेम्परेचर, जब सरफेस टेंशन जीरो होती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और सरफेस टेंशन जब डिक्रीज होती है तो इस फॉर्मूले से डिक्रीज होती है, टेम्परेचर टी पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन इंटू वन माइनस एल्फा इंटू टी, वेयर एल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन। यूज नहीं होता बट ठीक है, लिखा तो मैंने भी लिख दिया, पता होना है सरफेस टेंशन की वैल्यू घटती है, ये पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए।